हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कुकिंग केजीआर में। आज मैं गेहूँ के आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी बनाऊंगी। इसके लिए यहाँ मैंने देखिए 3 उबले आलू के इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 1 छोटे साइज का प्याज मैंने लिया है इसको इसमें डाल दिया है, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच चाट मसाला, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई और मसाले भी ऐड कर सकती है, मैं यहाँ पर ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूँगी। इसे मैंने इसको मिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 कटोरी से कम आटा लिया है, गेहूँ का आटा जो नॉर्मली हम लोग चपाती बनाते हैं वही आटा है। इसे मैंने नमक ऐड कर दिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसका घोल तैयार करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। यहाँ पे 1/2 चम्मच में किचन की मसाले डाली हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच में चिली फ्लेक्स डालूंगी, लाल मिर्च को मैंने कूट कर इसको रख लिया है, और यहाँ पे हरी मिर्च को हरी धनिया डालेंगे इसमें, और अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने ब्रेड लिया हुआ है, एक एक ब्रेड को इस तरह से लेंगे और किसी कटोरे से इसको इस तरह से बीच से गोलाई में कट कर लेंगे, इस तरह से दबाकर। इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया, इस तरह सारे सारे ब्रेड को मैं कट कर लेती हूँ। बाकी जो किनारों का साइड बचेगा इसका आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब एक ब्रेड के पीस को लेंगे, इस पर हम जरा सा केचप लगाएंगे, बहुत ज़रा सा लगाएंगे। या चम्मच से किसी भी चीज़ से आप फैला सकती हैं। आलू को लेंगे, इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छे से ब्रेड पे फैला देना है चारों तरफ। इसी तरह से मैं सारे ब्रेड पे फैला लूंगी आलू को। यहाँ पे देखिए सारे ब्रेड पे इस तरह से मैं सॉसेज और आलू लगा लिए हैं। अब ये जो मैंने आटे का घोल तैयार करके रखा था इसमें एक एक ब्रेड को इस तरह से डिप करेंगे और उठा के तेल में डाल देंगे। आलू के पार्ट्स को ऊपर ही रखना है। फ्रेंड्स देखिए बन के तैयार हो गया है। कढ़ाई हमारा थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है इसके वजह से, तो मैं एक एक करके ही तलूंगी। इस तरह से आप रेसिपी बनाएंगे, कचौड़ी पकौड़ी समोसे सभी भूल जाएंगे। एक बार ट्राई जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो इसे मैं निकाल के इसे दूसरे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स गेहूँ के आटे और ब्रेड से बनके तैयार है हमारा खास्ता सा टेस्टी सा नाश्ता। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।